हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा। मेरे हाथ में जो पेपर है ये आज ही संपन्न हुआ है, 30 अप्रैल 2022 को नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का हिंदी मीडियम का पेपर है। और आज हम सॉल्व करेंगे इसका केवल गणित वाला पोर्शन। इस पेपर की गणित को पेपर को बड़े व्यवहारिक और सरल तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि जो भविष्य में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ी आसानी से इसका पैटर्न समझ सकें। जो बच्चे जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है 25, 45 तथा 75 का लघुतम समापवर्त्य यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसको छोटा करने के लिए 5 5 से सब डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए, 5 5 25, 5 9 45, 5 1 5 और 2 बचा 25 हुआ 5 5 25, 15 5 75 ठीक हो गया। फिर देखिए, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 1 5, 9 नहीं हो रहा, ऐसे ही उतारिए और 5 3 15। अब देखिए, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 ये तो खत्म हो गया, और 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए, एक अभाज्य संख्या बच गई, तो इन सबको हम मल्टीपल कर देंगे, 5 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, 5 5 25, अब 25 3 75, अब 75 3 225। आप निकालो, कैसे भी गुणा करो तो 225 आंसर आएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। देखिए, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हमें। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, जब हम सबसे छोटा अंक बनाते हैं तो 1 2 3 0 और 1 1 रख कर देते हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, तो आप चाहो 5 से डिवाइड करिए, वैसे तो साफ पता चल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ये होंगे, क्योंकि इसमें देखिए 8 भाज्य आ गया, इसमें देखिए 4 भाज्य आ गया, इसमें 10 भाज्य आ गया, तो क्लियर है कि उत्तर यही है। फिर भी मैं आपको पूरे विधि से आपको बता रहा हूँ कि इसका अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य संख्या आप चाहो इसको 2 से भाग दीजिए, अगर हम थोड़ा बड़ी से देंगे तो जल्दी छोटा हो जाएंगे, तो 5 2 10। अब 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, देखिए फिर भी 5 का जा रहा है, 5 चौक 20 और 0 में 0 बार। फिर देखिए, 5 से जा रहा है, 5 8 40। फिर देखिए, 2 से जा रहा है, 2 चौक 8। फिर देखिए, 2 से जा रहा है, 2 2 4। अब फिर 2 में अगर एक बार और देना चाहें तो 2 1 2 यहाँ 1 आ गया, कितने हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए ये आ गया। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुतम समापवर्त्य है। वैसे तो आप इसका डायरेक्ट एलसीएम यानी लघुतम समापवर्त्य निकाल सकते हैं, उतना ही उत्तर आएगा, लेकिन जिस तरीके से ये सवाल पूछा गया है, इसमें क्या होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का ल सौ और म सौ का गुणनफल उतना ही होता है जितना उसके दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अगर आप इसका गुणनफल निकालने चाहे निकालिए, तो 72 गुणा 180 कीजिए, 180 गुणा 72 जो भी आप करना चाहें। देखिए, 0 से 0, 18 गुणा 36 का 6 हासिल 3 और 18 सत्तर 126 और 3 129, इतना आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो 36 में किससे गुणा किया जाए कि इतना आए, यानी हम क्या करेंगे, 36 से इसको डिवाइड कर देंगे 36 से, 129, 12,960, 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, 6 6 36 और 6 3 18, 3 21, ठीक है, 0 में 0 बार, यानी इन दोनों का गुणनफल इतना है। तो 36 से अगर हम 360 का गुणा करेंगे तो उत्तर फिर बराबर आएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना उसके लॉस और मॉस का गुणनफल होता है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, तो इसका सरलीकरण करने के लिए सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है इसको हम विषम भिन्न में बदल देंगे, तो 17 का गुणा करेंगे, 2 से 17 2 34 और 1 35, तो यह जाएगा 35 बटे 17। अब देखिए, यहाँ पे डिवाइड है, अब हमें पता है कि भिन्न में कभी भी हम भाग नहीं करते हैं, तो आगे वाला गुणा करके इसको सीधा उल्टा कर दो, 7 बटे 10 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10 बटे 7, और गुणा आ गया 33 1 33 और 1 34 बटे 33।
अब देखिए ये तो कट गया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, सत्रह कम सत्रह, 17 दूनी 34। अब कुछ नहीं कट रहा तो ये हम गुणा कर देंगे तो 10 पंजे 50, 50 दूना 100, तो 100/33 आया। अब जब हम 33 का भाग 100 में देंगे तो 33 99 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यानी 1 यहाँ ऊपर और 33 नीचे। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी? तो देखिए पहले समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 90 ऊपर और चाल है इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब इसको ये कट नहीं रहा, 18 चक्कू 72 और 18 पंजे 90, यानी 4/5 घंटे, 5/4 घंटे। तो 5/4 घंटे का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको विषम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 4 एकम 4 एक सही 1/4 घंटा, यानी 1 घंटा। और हमें पता है कि 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 गुणा 1/4 आप लोग करो, इसको काटो तो 15 आएगा, तो 15 मिनट होते हैं, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा तो आधा घंटा भी 30 मिनट और 1/4 में 15 मिनट, तो यानी 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचेगी। अब चूंकि ये 2:15 पे चली, तो 2:15 में हम क्या करेंगे, 1 घंटा 15 मिनट जोड़ देंगे। तो देखिए ये 15 15 30, इसको एक साथ जोड़ना चाहिए, 30 हो गया और 3 हो गया, यानी 3:30 PM पे पहुंचेगी। PM का मतलब दोपहर के बाद। एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, इसलिए इसने साइन भी दे रखा है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो देखिए कोई हॉल है, ठीक है ना, तो हॉल का क्योंकि हमने आयताकार हॉल है, इसकी लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। तो कहने का मतलब इसका परिमाप कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, यानी 206 मीटर तो इन चारों भुजाओं का योग हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम 206 का आधा करेंगे, बटा दो कर दो इसका, तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 0 में 0 और 2 3 6, 103 होगा, 206 का आधा 103, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई जो है 103 मीटर, ठीक है ना। तो 103 मीटर में से लंबाई जो 23 मीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको 23 मीटर कम कर दो, 0 10 में से 2 के 8, यानी 80 मीटर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो तो, 80 में अगर हम 2 का भाग दे दें, 80/2 कर दीजिए, तो 2 चौक 8 40, यानी 40 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, 40 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, 23 मीटर ज्यादा है, तो 40 में 23 मीटर जोड़ दीजिए, तो 40 और 20 60 और 63 मीटर हो गई। अब इसका क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल आपको पता है आयताकार, यह फर्श आयताकार है, तो 63 गुणा 40, तो 0 4 3 12, 1 4 6 24 और 1 25, यानी 2520 मीटर स्क्वायर होगा, वर्ग मीटर ये, ठीक है ना। क्या किया हमने, पहले हमने इसका आधा किया परिमाप का, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई आ गई, तो एक लंबाई में जो है हमने 23 मीटर कम कर दिया। आप चाहो तो पूरे में से 46 मीटर भी घटा सकते हैं, क्योंकि तब उसमें 2 लंबाई है। आप जिस तरह से आप परिमाप को समझते हैं उस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं, इसको केवल थोड़ा समझने की जरूरत है। यह 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, तो देखिए 12 तो पूरा ही होगा, ठीक है ना, उसके बाद दशमलव आएगा तो हम क्या करेंगे, 16 का भाग 1 में देंगे। अब भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव रखते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं, फिर भी भाग नहीं जा रहे तो हम 0 बार भाग देते हैं, फिर यहाँ घटा के 10 बचा, फिर यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 16 6 96, यानी आगे देने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर यहीं पे मिल गया हमको, 12.06, और किसी में 0 नहीं है पहले। यहाँ अगर आप पूरा देना चाहिए तो इसको घटा दो, 40 हो गया, तो 12 16 32 हो गया,
फिर देखो यहाँ घटा के 8 बचा, फिर 1 जीरो बढ़ा सकते हैं तो 16 पंजे 80 हो गया। ठीक है, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1,500 रुपए 1,800 हो जाएंगे। तो देखो 1,500 जो है मूलधन है और ये मिश्र धन है, मतलब इसमें मूलधन प्लस ब्याज है। तो यानी इसमें जो पहले हम क्या करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज क्या हो जाएगा 1,800 में से हम क्या करेंगे 1,500 को घटा देंगे 1,500 को, तो यानी 300 रुपये ब्याज मिला। अब क्या ज्ञात करना है हमें, वर्ष। तो देखिए इसमें बच्चे अलग अलग फॉर्मूला याद करते हैं, समय के लिए अलग करते हैं, दर के लिए अलग, मूलधन ज्ञात करते हैं, सब में एक ही फॉर्मूला से करना चाहिए कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। अगर हम इस विधि से सीखेंगे हम कभी भी कोई भी सवाल मिस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या केवल पक्षांतर करना आना चाहिए, पक्षांतर तो हमें सीखना ही पड़ेगा तभी जाके हम गणित को कर पाएंगे। तो देखिए इसको गौर से देखिए, जैसे मूलधन गुणा दर गुणा समय फॉर्मूला होता है, तो मूलधन हो गया 1,500 गुणा दर हो गई 8% और गुणा समय हमें ज्ञात करना है तो एक्स बटे 100 बराबर साधारण ब्याज, क्योंकि जब इनमें से एक चीज ज्ञात करनी होती है इन तीनों में से, मूलधन दर या समय में से, तो इसका मतलब हमें ब्याज मालूम होना चाहिए, ये किसी न किसी रूप में सवाल में दिया हुआ होगा। अब एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रखिए 300 सबसे पहले आगे का वैसे ही लिखिए। अब यहाँ का पक्षांतर करेंगे तो ये 1,500 800 जो है नीचे चले जाएंगे, क्योंकि पक्षांतर के बाद बराबर के आगे ये बराबर के इस तरफ ऊपर थे तो यहाँ नीचे चले जाएंगे, ये 100 जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है यहाँ पे। अब उसके बाद इसको काटिए, तो देखिए ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 15 कम 15 15 दूनी 30 और 0 में 0 बार। अब देखिए ये कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 5/2। 5/2 का मतलब 5 का भाग अगर हम 2 में देंगे, सॉरी 2 का भाग अगर हम 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बच जाता है, तो 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष में ये हो जाएगा। एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। देखिए ये सवाल थोड़ा समझने का है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने कल गलत की आज गलत किया है ये सवाल। कई बच्चों ने बताया कि मेरी समझ में नहीं आया है, जो मेरे स्टूडेंट थे तो कई बच्चों ने गलत किया हुआ है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर। तो माना एक दिन में पहले तो साइकिल की कीमत, एक साइकिल की कीमत 100 रुपये, ठीक है ना, तो ये घट गई 20%, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। अब ये 20% घटे तो 100 पे 20 यानी 80 रुपये की हो गई। पहले जो साइकिल 100 में बिकती थी अब उसकी कीमत कंपनी ने कम कर दी है, 80 कर दी है, यहाँ पे ये समझना है। लेकिन इसकी मांग में बढ़ोतरी हो गई 20%। अब यहां पर भी समझ लो कि प्रत्येक दिन माना 100 साइकिल बिकती थी, कुछ भी मान लीजिए आप, प्रत्येक दिन बिकती थी बिक्री 100 साइकिल। अब जो बिक्री हो रही है नई नई बिक्री ये हो रही है 20% बढ़ गई यानी 120 की। अब देखिए पहले कितना कमाते थे, पहले बिकती थी माना 100 रुपए की एक साइकिल थी और 100 ही साइकिल बिकती थी, तो 100 गुणा 100 एक दिन में कितनी बिक गई, 100 100 का हम गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 जीरो इसके 2 जीरो यानी 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 10,000 रुपए की बिक्री होती थी। अब कितनी साइकिल बिक रही है, अब बढ़ गई है 100 साइकिल, 120 साइकिल बिक रही है, लेकिन अब कितने की है, एक साइकिल 80 रुपए की, 120 गुणा 80, तो देखिए 12 8 96, ठीक है ना, आइए 2 जीरो इसके इसके आगे आगे, यानी पहले की अपेक्षा घट गई है। पहले 10,000 रुपये पर डे कमाती थी कंपनी, अब जो है 9,600 रुपये पर डे कमा रही है, तो कितना घट गया, 400 का अंतर हो गया। अब इसका प्रतिशत बताना है 400 का, तो आपको पता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि हो रही है, देखिए हानि क्योंकि कम हो रहा है, कम बिक्री कम हो गई है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जितनी हानि होती है 400 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य था साइकिल का 10,000,
ठीक है ना। तो देखो, 2 0 1 कटे, 2 0 1 कटे, 2 0 1 कटे, 2 0 1 कटे, नीचे कुछ नहीं बचा, एक बचा है तो खत्म हो गया, ऊपर केवल 4 बचा है, तो यानी 4% की कमी। देखिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठों के भीतर का हल करेंगे। तो एक एक बार हम इन इस कोष्ठ को भी तीनों कोष्ठों के भीतर का, चारों कोष्ठों के भीतर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 20 भागा 5 है, यानी 5 का भाग हम 20 में देंगे, तो 5 चौक 20, 4 आंसर आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे फिर भाग है, तो भागा 2, फिर धन है ये वाला धन, फिर 8 का भाग 16 में देंगे, तो 8 * 16 2 हो जाएगा, फिर गुणा 2, फिर धन, यहाँ 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 हो जाएगा, और गुणा 3 और 2 को जोड़ देंगे 5। अब देखिए, अब सिंपल सवाल बन गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ बराबर लगाइए, और यहाँ 2 से हम 4 को भाग देंगे, तो 2 * 4 2 उत्तर आएगा, प्लस 2। अगर आप यहां भी करना चाहो गुणा, तो ये अलग है, इनको गुणा कर सकते हैं, 2 * 4 हो जाएगा ये, प्लस 5 * 10 हो जाएगा। अब देखिए, सब जोड़ी जोड़ है, 10 और 4 = 14, 2 = 16 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 16। ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। थोड़ा घुमा के पूछा है, ऐसी चक्करों में ये सवाल भी कई बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि ऐसे सवाल बच्चे जानते थे, लेकिन जरा सा घुमाया घुमाया इन्होंने सवाल, कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 होती है। तो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, यानी ब्याज ज्ञात करना है सबसे पहले, बिना ब्याज के सवाल हल नहीं होगा। तो ब्याज ज्ञात कैसे होगा, 720 में से हम क्या करेंगे, 600 घटा देंगे, तो यानी 700, ₹120 ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात, यहाँ समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, यानी दर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला मैंने बोला वही है, मूलधन गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो एक्स गुणा समय दे रखा है, 4/100 बराबर 120। तो यहाँ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणा ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 600 ऊपर था, तो यहाँ बराबर के आगे जाके और 4 भी है। अब देखो ये, अरे ये तो कट गया, अब 6 कम 6, 6 * 2 = 12, 20 आ गया, 4 * 1 = 4, और 4 * 5 = 20, यानी 5% दर। तो 5% के हिसाब से 4 वर्ष में ₹120 ब्याज मिल रहा है। तो अगर हमने 2% अधिक कर दी, यानी दर अब नई दर हो जाएगी 5 + 2, तो 7%, यानी 7% हो जाएगी। अब 7% के हिसाब से देखो कित 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो रकम वही है, 600 गुणा, अब दर हो गई 7% गुणा समय 4 ही वर्ष है, 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, तो ये हो गया 6 7 * 28, और 28 * 6 कितने होते हैं, 28 * 6 आप करो, 8 * 6 = 48, 4 6 * 2 = 12, और 4 = 16, ₹168 ब्याज मिलेगा। तो 168, पहले 120 मिला था, तो इसमें ₹600 प्लस भी तो होंगे, जो मूलधन है हमारा, तो ये हो जाएगा ₹768। ठीक है, 768। एक तार 2 सही 3 मीटर लंबा है। तो सबसे पहले इसका जो सवाल समझने, इसको आगे समझने से पहले ये मिश्र भिन्न में, तो इसको विषम भिन्न में बदल दो। तार कितना है, 4 * 2 = 8, और 3 जोड़ेंगे तो 11/4 मीटर लंबा है। ठीक है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो बात वही है जो पहले आया था, जितना अगर एक भाग दूसरे से जितना बड़ा होता है पहले, उतना ही कम कर दीजिए। ठीक है ना। तब जो 2 भाग शेष रहेंगे वो बराबर रहेंगे, तो हम 2 का भाग दे करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो यानी हम पहले 11/4 में से, ये इतना लंबा तार है, इसमें से सबसे पहले 5/8 कम कर दीजिए। अब भिन्न के सवाल आपको आते होंगे, तो यहाँ नीचे बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 8 हो गया, तो नीचे दोनों जबकि बदले 8 आ गया, और यहाँ 11 * 2 = 22 हो गया, 22 में से 5 गया तो 17 हो गया, यानी अब जो तार बचा वो 17/8 मीटर बचा। अब इसके 2 भाग करने पड़ेंगे, तो इसको गुणा कर देंगे हम 1/2 से, आधा करने के लिए। ठीक है, तो इसको 17 * 17, तो 8 * 2 = 16, तो 17/16 जो तार का टुकड़ा है वो छोटा वाला है, लेकिन यहाँ हमने जो लंबाई बतानी है बड़े भाग की लंबाई बतानी है। तो बड़ा भाग कितना है, 5 मीटर 8 बड़ा है, 5/8 मीटर, तो धन करके इसमें 5/8 और जोड़ना पड़ेगा।
ये तो 17/16 दोनों वो टुकड़े हो गए जो बराबर हैं, जब हमने 5/8 इसमें से कम कर दिया था, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर यहाँ भी वही नीचे 2 बनाने 16 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 17 5 10 ये हो गया, तो 27/16 हो गया। अब 16 को हम 27 में भाग देंगे तो 16 कम 16 और यहां बचा 11/16, एक सही 11/16 मीटर। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघला कर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई, तो शीशे का जो घन है इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी पहले हम इसका परिमाप ज्ञात कर देंगे, 6 × 6 × 6, ठीक है ना, कोर गुणा कोर होता है, तो इसको गुणा करो तो 6 × 6 = 36 और 36 × 6 = 36, 6 × 6 = 36 आशीष 3 और 6 × 3 = 18 = 21, 216 घन सेंटीमीटर हो गया। ये तो इसका टोटल आयतन हो गया, ठीक है ना, आयतन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आयतन। अब इसके 27 एक समान घन कर दिए गए, तो यानी इसको 27 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार देखते हैं कि 8 × 7 = 56 और 8 × 2 = 16 और 5 = 21, देखिए 8 बार जा रहा है, यानी जो नया घन बनेगा उसका जो आयतन होगा 8 घन सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखिए, ये आयतन होगा, क्योंकि इसके इसके आयतन के हमने जो है 27 समान टुकड़े कर दिए, तो यानी इसके 216 के 27 टुकड़े करके 8 घन सेंटीमीटर आया, तो ये आयतन होगा। और आयतन से जब हमें वो करना है उसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो इसका घनमूल निकालना पड़ता है। घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, 3 का 1 जोड़ा बना दो, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, तो देखो ये 3 का 1 जोड़ा बना, यानी उत्तर आया 2 ही 2, घनमूल आया केवल 2, यानी जो उसकी भुजा होगी उसका कोर होगा वो 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर आपको ये पेपर थोड़ा अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पेपर अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। 2100 का अभाज्य गुणनखंड है, तो वैसे तो देखिए इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये भाज्य संख्या आ गई, इसमें ये भाज्य संख्या है और इसमें ये 4 भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 1 ही बच गई, उत्तर तो सीधा निकल गया। फिर भी मैं आपको विधि सहित करके बताऊंगा किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो इसके आगे 0 है, तो हम चाहें तो सबसे छोटी संख्या 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहो तो जल्दी जल्दी छोटा हो जाए तो ये 5 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, 5 × 20, यहाँ 1 बचा 10 हुआ, तो 5 × 10 और 0 में 0 हुआ। फिर देखिए 0 है तो 5 से जाएगा, 5 × 8 = 40, फिर 2 बचा 20 हुआ, तो 5 × 20, अब देखिए 5 का नहीं जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, 2 × 8 और 2 × 2 = 4, फिर देखिए 2 का जा रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, अब देखिए 21 में 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, 3 × 7 = 21। अब तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, देखिए यहाँ 2 से शुरू है तो 2 2, ये देखिए ये 2 2 आ गया दोनों, ठीक है ना, ये 3, ये 3 आ गया, ये 5 5 2 बार आया, तो ये 5 5 आ गया, और गुणा 7 ये वाला। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, तो कमरे की चौड़ाई, देखिए इस पे हमने टाइल्स लगानी है, तो हम क्या करते हैं, जब टाइलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो ऊपर लिख देते हैं वर्ग का, मतलब जो भी आयत है, तो आएगी कि फर्श तो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, तो ये 15 मीटर है, तो क्योंकि ये टाइल्स देखिए सेंटीमीटर में है, और इसकी 15 मीटर है, तो मीटर का हम सेंटीमीटर बना देंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 × 100 हो जाएगा, यानी 1500 या 1500 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई, तो 1500 अब गुणा इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है एक्स, ठीक है ना, बटे
15 × 12 बराबर कितना लगा इसमें 7500, पर 7500 टाइल्स लगी। अब फिर एक्स का मान हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा तो आगे का जो 7500 है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, गुणा पक्षांतर करने पे 15 × 12 ऊपर चला जाएगा, 15 × 12, और यहाँ जो 1500 है 1500 ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जीरो तो कट गए, अब 15 × 15 = 75। अब इसको आप गुणा कर दो, 15 × 15 = 75 हो गया, अब 75 का गुणा 12 से, 12 × 5 = 60, 6 हासिल, 12 × 6 = 84, 6 × 90 यानी 900 हो गया। देखिए ये 900 हुआ सेंटीमीटर में, तो जब 900 सेंटीमीटर के हम मीटर बनाएंगे तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, 900/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, दोनों जीरो कट गए, तो 9 मीटर की इसकी चौड़ाई होगी। दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो देखिए दो अंकों वाली शुरू होती है 10 से, सबसे छोटी दो अंकों की प्राकृतिक संख्या 10 है और सबसे बड़ी है 99। अब यहाँ पे कई बच्चों ने समझे नहीं और इसको गलत कर दिया, बच्चों ने क्या किया 99 में से 99 में से 10 घटा दिया, गलत है क्योंकि गिनती में तो 10 भी आ रहा है, इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या 9 थी तो 99 में से 9 घटना था तब इसकी संख्या आनी थी, क्योंकि ये 99 तो संख्या है उसमें केवल 9 ही अंक तो है जो एक अंक के हैं, तो 99 में से 9 घटना था तो 90 वो अंक जो है 90 है। एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है, तो हमेशा 9 से विभाजित होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई भी संख्या, जैसे आपने मन में कुछ संख्या सोच दी, आप कुछ भी सोचिए, आप जो है 84 सोचिए, आप 56 सोचिए, आप 34 सोचिए, आप 80 सोचिए, तो इनका इसका योग देखिए 8 × 4 = 12 हो गया, तो 84 में से 12 घटाओ, 84 × 12 कितना हो गया 2 = 72 हो गया, तो देखो 9 से विभाजित 8 × 9 = 72। यहां देखिए 56 है तो 56 में जोड़िए इसका योग 56 में से, सॉरी घटाइए 6, 5, 11, तो 56 में से 11 गया कितना बचता है 45 बचता है, तो देखिए 9 से विभाजित है 9 × 5 = 45, यहाँ 34 है तो इसको आपस में जोड़िए 4 × 3 = 7, 34 में से 7 घटाइए 34 × 7, तो 34 में से 7 गया 27 बचता है, तो 9 × 3 = 27, यहाँ 80 है तो इसका जोड़ जो है 8 में 0 जोड़ के 8 ही हुआ, तो 80 में से ऋण करके 8 कम कर दो, 80 में से 8 गया तो 72, देखो 8 × 9 = 72। तो जितनी भी संख्याएं हैं उनके अंकों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे और उसी संख्या में से उनको घटा देंगे तो जो भी प्राप्त होता है वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। देखिए 1/3 और ये कोष्ठ के भीतर है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले कोष्ठ के भीतर का ही हल कर देते हैं, तो ये तो धन है, ये गुणा है, देखिए ये भी गुणा है यहाँ तक, और यहाँ 2 × 13 है, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 और 55 दोनों होता है 110। यहाँ पहले 7 प्लस लिख देता हूँ, मैं पहले कोष्ठ के भीतर का कर रहा हूँ, 1/13 बाहर है और 7 धन ये मैंने गुणा किया 11 × 5 = 55, 55 × 2 = 110, ठीक है, अब फिर ये धन और 13 × 2 = 26। अब देखिए ये धन धन हो गया तो इन सबको जोड़ दो, 7, 110 और 26 को, तो 7 × 6 = 13 हासिल 1 और 2 × 1 = 3 और 1 = 4 और 1 = 143 हो गया, तो यानी ये हो गया 1/13, अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणा होगा 143, तो देखो 13 का भाग जाता है इसमें, 13 × 13 = 13, 1 बचा 13 ही हुआ तो 13 × 13, तो यानी 11 × 11 उत्तर आ गया, ठीक है, ये वाला आंसर 11। देखिए इसको जोड़ना है, इसका योग फल ज्ञात करना है, तो जोड़ने के लिए आप कहीं भी जोड़िए 6.6, यहाँ क्या होता है कि दशमलव के नीचे ठीक दशमलव आना चाहिए, जीरो दशमलव 0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है, ये भी बच्चों ने गलत किया है, इसको समझते नहीं है कई बार बच्चे कि दशमलव किस स्थान पर है। देखिए अगर एक अंक के पीछे दशमलव है, इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक अंक के पीछे अगर दशमलव है, पहले इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो हम क्या करते हैं इसका दशमलव हटाने के लिए 7 2
पांच, यहाँ जीरो भी है, दशमलव के बाद की संख्या ऊपर रख दीजिए आप। अगर एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ बटे दस कर दो, अगर दो अंक के पीछे है तो बटे सौ, अगर तीन अंक के पीछे तो बटा हजार, अगर यहां देखिए चार अंक है तो बटे दस हजार होना था, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो देखो 25 से कट रहा है तो 25 चौको 100 और 0 से 0 बार भाग गया, यहां अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 50 अब 22 बचा, अब 22 के आगे देखिए ये 5 भी है, 225 हुआ, तो 225 में जाता है 9 बार 25 नमा 225, तो यानी उत्तर आ गया 29/400। 29 अभाज्य संख्या है, 29 का भाग 400 में नहीं जाता है तो जो का त्यों ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी गणित समाप्त हुई, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में सारे प्रश्न आए। ओके बाय, थैंक यू।